फ्रेंड, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी रेसिपी लेकर आई हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मेरी ये कढ़ी और मोची देखने से लग रही है ना, बहुत ही मजेदार रेसिपी है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी और यम्मी है। एक यूनिक रेसिपी है, आप इसे जरूर अपने घर में ट्राई कीजिएगा और इसे रोटी चावल सबके साथ आप बहुत ही अच्छे तरीके से खा सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन पे प्रेस कीजिए सबसे पहले मेरे वीडियो को देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइए आज हम कढ़ी और मोची बनाएंगे। आप लोगों ने कढ़ी और पकोड़ा तो बहुत खाया होगा, या कढ़ी बड़ी भी बनती है जो आप लोग बहुत सारा इस तरह से बनाए होंगे और खाए होंगे, लेकिन मैं आज बना रही हूँ एक बिहार का बहुत ही फेमस डिश है कढ़ी मोची। तो चलिए उसके लिए सबसे पहले हम देखिए इस तरह से एक बड़ा कोई भी बर्तन लीजिए और इसमें मैं ये छन्नी डाल रही हूँ और इसमें मैंने एक फुल मग बेसन लिया है पूरा भर कर। देखिए देख रहे हैं ये पूरा भरा हुआ है। पहले इसे मैं छान लूंगी, इसे आप अच्छी तरह से पहले छान लीजिए ताकि इसमें कोई गांठे ना रहे। देखिए इस तरह से मैंने इसे छान लिया है और अब मैं इसमें ये हल्दी आधी चम्मच आप इसमें हल्दी पाउडर डालिए थोड़ी सी, और इसे अब मैं एक थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक बैटर तैयार करूंगी। देखिए मैं कैसा तैयार कर रही हूँ, इसमें आप एक ही बार पूरा पानी नहीं डालिए, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालिए। देखिए ये मेरी बैटर तैयार हो गई है। देखिए इस तरह की आपकी बैटर होनी चाहिए, इस तरह की कंसिस्टेंसी की आपकी बैटर, बहुत अधिक पतला भी नहीं और बहुत अधिक गाढ़ा भी नहीं। और इसमें मैंने सॉल्ट नहीं डाला है, सिर्फ हल्दी। इस तरह से देखिए इस तरह का आपका बैटर होना चाहिए। तो अब मैं इसे 5 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए रखूंगी ताकि इसमें बेसन अच्छी तरह से फूल जाए। तो अब मैं इसे रेस्ट करने के लिए ढक दे रही हूँ। देखिए एक ग्लास पानी मैंने जो लिया था उसमें इतना पानी आपका आधा से थोड़ा सा कम पानी बच गया, उतने में मेरा ये बैटर तैयार हो गया है। तो अब 5 मिनट हो गया है और ये मेरा बैटर अब ये फूलकर देखिए अच्छी तरह से तैयार हो गया है। अब इसके लिए देखिए इसको मैं इससे इसकी एक मोची बनाऊंगी जो इस तरह का मैंने प्लास्टिक लिया है। इस तरह से आप कोई भी प्लास्टिक दूध वाली या कोई भी पैकेट जो बढ़िया हो उसके साफ सुथरा कर लीजिए, पर इसे अच्छी तरह से साफ कर लिया है और इसे मैं इस तरह से ग्लास पे इस तरह से लगाऊंगी। आप इस तरह से इसे ग्लास पे लगाइए और इसमें अच्छी तरह से इसको बैटर को डालिए। और देखिए इस तरह से इस बैटर को डालने के बाद अब आप इसे इस तरह से फोल्ड करिए और इसमें एक रबर बैंड आप लगा दीजिए। देखिए इस तरह से मैं अब रबर बैंड लगा दूंगी और इसके अब नीचे के पोर्शन को जिस तरफ से आपको इसे छानना है एक छोटा सा छेद कर लीजिए आप इस तरह से। एक छोटा सा छेद मैंने देखिए कर लिया है और अब मैं इसे आपको बताती हूँ कैसे बनता है। इधर देखिए मैंने कढ़ाई में सरसों का तेल डाला है, ये सरसों के तेल में बहुत ही अच्छा बनता है और इसे मैंने गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है। अब मेरी तेल थोड़ी गर्म हो गई है, आपको थोड़ा ये अच्छा गर्म होना चाहिए तेल, तभी इसमें आपकी मोची अच्छी बनेगी। तो चलिए अब हम बनाते हैं इसमें मोची। देखिए इस तरह से आप इसमें इस तरह से जैसे जलेबियों को बनाया जाता है आप इस तरह से इसमें मोची को बनाइए। और इसे फ्राई कीजिए, थोड़ा सा हल्का सा रेडिश मैं इसे फ्राई कर लूंगी।
अब इसे आप इस तरह से पलट दीजिए। ये खाने में बहुत ही अच्छा लगता है और इसमें नमक इसलिए नहीं डाला जाता है क्योंकि आप इसे बनाकर कई दिनों तक स्टोर करके भी आप रख सकते हैं। और जब भी कढ़ी बनाइए आप इसमें इस मोची को डालिए और खाइए, ये बहुत ही अच्छा लगता है और टेस्टी। और ये जब कढ़ी में जाएगा तो ये इसमें पूरा उसका रस को सोख लेता है कढ़ी के, और इसमें अपने आप इसका फ्लेवर आ जाता है और नमक भी पूरी अंदर चली जाती है। इसलिए इसे नमक डालकर हम नहीं बनाते हैं ताकि ये स्टोर करके भी हम रख सकें, और ये काफी दिनों तक आप रख सकते हैं इसे। देखिए अब ये मेरी मोची रेडी हो गई है। इसे बहुत अधिक लाल नहीं करना है, हल्का सा इसको हल्का रेडिश कलर आना चाहिए इसको, और इस तरह से आप अब इसे निकाल लीजिए। अब मैं अपनी नेक्स्ट मोची को भी इसमें इसी तरह डाल दूंगी। आपको छोटी बड़ी जिस तरह की आप इसकी शेप देना चाहें आप दे सकते हैं, और इसे भी इस तरह से आप सारी मोचियों को छान छान कर जो भी 3-4 पीस अपना बना के रख सकते हैं। देखिए अब मेरी नेक्स्ट मोची भी हो गई। इसी तरह से मैं सारी को छान के निकाल देंगे। जब तक मेरी मोचियां छन रही हैं, तब तक आप मैं अब इसकी कढ़ी के लिए इसका बैटर तैयार कर लेती हूँ। इसके लिए देखिए मैंने ये एक कटोरी दही ली है, पूरी फुल नहीं है, और थोड़ी आपकी ये दही खट्टी होनी चाहिए तभी आपकी कढ़ी अच्छी बनेगी। अब मैं इसमें ये पूरी दही डाल दूंगी, और ये कुछ सूखे मसाले हैं जिसे मैं शुरुआत में रोस्ट करूंगी उसमें डालकर। और इसमें अब मैं मसाले डालूंगी, इसमें आधी चम्मच मैं लाल मिर्च पाउडर, हल्दी थोड़ा ही डालूंगी क्योंकि ऑलरेडी इसमें हल्दी पहले से डली हुई है, थोड़ा सा 1/4 चम्मच, आधी चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच जीरा पाउडर और 1/4 ब्लैक पेपर। अभी मैं सॉल्ट इसमें भी अभी नहीं डाल रही हूँ, जब डालूंगी लास्ट में तब आपको बताऊंगी। देखिए इस तरह से मेरी ये सारी मोची मैंने बनाकर निकाल ली है, और ये बहुत ही अच्छा लगता है, और आप इसे जब ठंडा हो जाए तो स्टोर करके कई दिनों तक आप लोग इसे रख सकते हैं। तो देखिए अब ये मेरी कढ़ी के बैटर में मैंने सारे मसाले और दही को मिला लिया है, और इसे आप इस तरह से पहले मिक्स कर लीजिए अच्छी तरह से, और इसमें मैं अब पानी डालूंगी। देखिए मैंने ये 1 ग्लास पानी लिया है, इसे मैं पूरा डाल दूंगी। अभी पानी इसमें और भी लग सकता है क्योंकि ये जैसे जैसे मैं इसमें डालूंगी कढ़ाई में तो ये गाढ़ा होता जाएगा। अभी मैंने इतना पानी डाला है, बाद में अभी और पानी इसमें ऐड करूंगी। तो चलिए अब कढ़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें से मैंने जो और एक्स्ट्रा ऑयल था उसे निकाल लिया है मैंने, और 1 चम्मच इसमें अब तेल मैंने छोड़ दिया है। और अब इसमें मैं ये जो सूखे, देखिए इसमें मसाले जो है, इसमें मैंने 2 लहसुन को काटकर बारीक बारीक ले लिया है, थोड़ी सी हींग है 1 पिंच, थोड़ी सी मेथी दाना है आधी चम्मच, 1 चम्मच जीरा है, और ये 2 लाल मिर्च है। इन सबको मैं इसमें डालूंगी। इसे थोड़ा सा रोस्ट कर लीजिए ताकि ये लहसुन और ये सब सारी चीजें इसमें थोड़ी सी रोस्ट हो जाए। अब ये मेरे मसाले रोस्ट हो गए हैं, इसमें मैं जो ये बैटर बना के मैंने रखा है इसे अब डाल दूंगी। इसमें देखिए मैं 1 ग्लास पानी और डाल रही हूँ। अब आप इसे इस तरह से एक कलछी की सहायता से आप इसे धीरे धीरे चलाइए और सारे बैटर को अच्छी तरह से मिला लीजिए। देखिए इसमें मैंने सॉल्ट अभी स्टार्टिंग में नहीं डाला है क्योंकि अगर आप सॉल्ट डाल देंगे और आप इसे लगातार नहीं चलाएंगे तो ये आपकी कढ़ी फट जाएगी। इसलिए अगर सॉल्ट नहीं रहेगा तो आप नहीं भी अगर बीच बीच में चलाते हैं तो आपकी कढ़ी फटेगी नहीं। अच्छी तरह से बॉयल जब हम कर लेंगे, कढ़ी पूरी तरह से पक जाएगी, तब मैं लास्ट में इसमें नमक डालकर इसे 1 मिनट और पका के तब उतारूंगी। तो अब मैं इसे धीरे धीरे 1-2 बार चलाकर और इसे छोड़ देती हूँ। अब इसे में जब बॉयल आ जाएगा तब फिर इसमें अब इसे कंटिन्यू मैं धीरे धीरे चलाऊंगी। देखिए अब इसमें उबाल आना स्टार्ट हो गया है और मेरी कढ़ी बहुत ही अधिक अब गाढ़ी होती जा रही है।
इसमें मैं बहुत अधिक गाढ़ा भी नहीं चाहिए और बहुत अधिक पतला भी नहीं, लेकिन ये बहुत अधिक गाढ़ी हो रही है, इसलिए इसमें मैं आधा ग्लास पानी और डालूंगी। वैसे ये कढ़ी मोची के साथ बहुत पतली अच्छी नहीं लगती है और बहुत अधिक गाढ़ा भी नहीं, क्योंकि उतारने के बाद भी ये गाढ़ी होती है, इसलिए थोड़ा सा मतलब इसकी न गाढ़ी न पतली इस तरह की होनी चाहिए। अब इसे आप बॉयल होने दीजिए। अब देखिए मेरी कढ़ी में उबाल आ गया है और ये पक रही है। इसे आपको थोड़ा सा पकाने में पेशेंस रखना होगा, क्योंकि अगर कढ़ी को अच्छे से आप नहीं पकाएंगे तो बेसन में कच्चापन रह जाएगा, जो कि कढ़ी खाने में अच्छी नहीं लगेगी, इसलिए थोड़ा सा इसे पेशेंस के साथ आप पकाइए। देखिए अब इसे मैंने 6-7 मिनट तक लगातार पका लिया है और इसमें मैं अब नमक डालने जा रही हूँ। आप अपने स्वाद अनुसार नमक इसमें डालिए। बस अब मैंने अपने स्वाद अनुसार इसमें नमक डाल दिया है और इसे अब अभी 1 मिनट तक आप और अच्छी तरह से नमक भूनने तक पका लीजिए। नमक को डालने के बाद आप इसे कंटिन्यू चलाते रहिएगा, वरना आपकी कढ़ी फट सकती है, इसलिए आप इसे धीरे धीरे इस तरह से चलाते रहिए। और देखिए इस तरह की ये गाढ़ी बैटर मेरी होनी चाहिए, इस तरह की कढ़ी आपकी होनी चाहिए। अब मेरी ये कढ़ी बनकर रेडी हो गई है। देखिए अब मैं फ्लेम को ऑफ करूंगी और इसे कम से कम अभी 5 मिनट तक हल्का सा ठंडा होने दूंगी, क्योंकि अभी अगर आप इसमें मोची डाल देंगे तो आपकी मोची एकदम पूरी इसमें घुल जाएगी, तो वो अच्छी नहीं बन पाएगी। हल्का सा इसका ऊपर से जो गर्माहट है निकल जाएगा, तब इसमें मैं मोची डालूंगी। तो देखिए 5 मिनट में मेरी कढ़ी अब ये ठंडी हो गई है, हल्का 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 भी गर्म है, थोड़ी सी ठंडी हुई है। इसमें मैं अपने इन मोचियों को अब डाल दूंगी। इस तरह से आप इसमें इन मोचियों को डालिए और अब आप इसे डिप कर दीजिए। इसे मोची में इस तरह से आप इसे डिप कर दीजिए और इसे डिप करने के बाद आप इसे ढक कर अब 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। अब ये 5 मिनट के बाद मैं इसे अब निकालूंगी और सर्व करूंगी। तो अब चलिए मैं अपनी मोची को चेक करती हूँ, कढ़ी मोची। देखिए ये अच्छी तरह से अब इसमें पूरा फूल गया है और इसमें पूरा इसका रस को इसने सोख लिया है और इसमें देखिए ये बहुत अच्छी तरह से ये मिल गया है। तो चलिए अब मैं इसे आपको निकाल कर दिखाती हूँ। इस तरह से आप कोई भी एक बाउल लीजिए और इसमें ये रोटी चावल सारी चीजों के साथ बहुत ही अच्छा लगता है और इस तरह से आप इसे गर्मा गर्म खाइए और इसका आनंद लीजिए। ये देखिए मेरी मोची बनकर रेडी है। तो देखिए मेरी मोची कितनी देखने में लग रही है ना मजेदार। अब आप इसे गर्मा गर्म अपने घर में आप लोग भी बनाइए और सर्व कीजिए और खाइए। अगर आपको मेरी ये कढ़ी मोची अच्छी लगे तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब जल्दी से जल्दी कर दीजिए और बेल आइकन पे भी जरूर प्रेस कीजिएगा। तो इससे अच्छी अच्छी मैं वीडियो आपको लाती रहूं और आप लोग देखते रहे। तो अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलती हूँ। ओके, थैंक यू एंड बाय।